मध्य प्रदेश में अब जिलों का परिसीमन होगा, इसके लिए परिसीमन आयोग बनाया गया है। सीएस रैंक के रिटायर्ड अफसर मनोज श्रीवास्तव को आयोग की जिम्मेदारी दी गई है। आयोग संभाग और जिलों का अध्ययन करेगा। जनता अपने सुझाव आयोग को दे सकती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जिलों के सीमांकन से जनता की कठिनाइयां दूर होंगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जब हमने सरकार बनाई तो इस बात पर ध्यान दिया कि भौगोलिक दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश का अपना क्षेत्रफल है, लेकिन समय के साथ इसमें कुछ कठिनाइयां पैदा हुई। जब जिले बड़े हैं लेकिन जिलों की सीमाओं में बहुत सी विसंगतियां हैं, ऐसी अनेक विसंगतिपूर्ण व्यवस्थाओं के लिए हमने एक नया परिसीमन आयोग बनाया है। इस परिसीमन आयोग के माध्यम से आसपास की जगह को जोड़कर लोगों की भलाई के लिए जो भी किया जा सकता है। सीएस रैंक के रिटायर्ड अफसर मनोज श्रीवास्तव को आयोग की जिम्मेदारी दी गई है। आयोग संभाग और जिलों का अध्ययन करेगा। जनता अपना सुझाव आयोग को दे सकती है। हमने जब सरकार बनाई, सरकार बनाने के बाद ही इस बात पर ध्यान दिया कि हमारे अपने भौगोलिक दृष्टि से दूसरे भारत के सबसे बड़े राज्य के रूप में मध्य प्रदेश का अपना एक एरिया है, लेकिन इसमें कुछ कठिनाइयां भी समय के साथ हुई है। जब जिले तो बढ़ गए हैं लेकिन जिलों की अपनी अपनी सीमाएं कम ज़्यादा है या कई विसंगतिपूर्ण है। कई लोगों को बहुत दूर जाना पड़ता जिला मुख्यालय, जबकि पास का जिला बहुत पास में है उनके। कई संभाग बड़े छोटे हो गए। ऐसे कई विसंगतिपूर्ण व्यवस्था के लिए हमने परिसीमन आयोग एक नया बनाया है। इस परिसीमन आयोग के माध्यम से नज़दीक के स्थान को नज़दीक के जिले से जुड़वा करके जनता की बेहतरी के लिए जो अच्छा हो सकता है वो जरूर करना है। तो संभाग, जिले, इनका एक बार पुनर्परीक्षण करना है। इसमें मैंने एक आयोग बनाया है। आयोग के सदस्य एसीएस लेवल के रिटायर्ड श्री मनोज श्रीवास्तव जी को मैंने जवाबदारी दी है। ऐसे कई बड़े जिले अभी हमारे हैं, जैसे सागर, ये हमारा उज्जैन, इंदौर, ऐसे कई बड़े धार, बड़े बड़े जिले हैं। इनके अंदर के जो अंदर की कठिनाइयां हैं, जैसे बिना रिफाइनरी बन गई तो बड़ा एक स्थान हो गया, तो आगे आने वाले समय में युक्ति युक्तकरण के माध्यम से ऐसे कई निर्णय अंदर करके इस बारे में विचार किया जाएगा। इस आयोग के माध्यम से उम्मीद करता हूँ कि जैसे हमने पुलिस थानों की सीमाएं बदली थी और सीमा बदल करके उन पुलिस थानों को जनता की बेहतरी के लिए नज़दीक से नज़दीक पहुँचाने का प्रयास किया है, इसी प्रकार से राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था की दृष्टि से ये निर्णय भी कारगर सिद्ध होगा। मेरी अपनी ओर से ऐसे सारे सुझाव जिनको लगता है कि हमारे इस क्षेत्र को जोड़ना चाहिए, छोड़ना चाहिए, ये एसीएस मनोज श्रीवास्तव जी रिटायर्ड उनके पास ज़रूर पहुंचाएं और वो अपने जिले जिलों में ये काम का अभियान प्रारंभ कर रहे हैं। मेरी अपनी ओर से प्रदेश की बेहतरी के लिए जो जो हो सकता है, हमारी सरकार लगातार यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करती रहेगी और उसी के परिणाम हमको प्रदेश की जनता की बेहतरी के लिए मिलेंगे, इसी उम्मीद के साथ जय श्री महाकाल। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।